दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बस वीडियो सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है थ्री बिंदी का, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कॉलर आई डी स्पेस, तो हमें उस पर क्लिक कर देना, इन ऑप्शनों को ऑन कर देना। अगर आपको के फ़ोन में ऑफ है तो आपको भी ऑन कर देना है। आपको भी फिर नीचे आना, तो नीचे आपको ब्लॉक नंबर पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अनकाउंट नंबर को जब हम ऑन कर देते हैं तो गाइस आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर सेफ नहीं है उन्हें अनकाउंट बोल दें तो आपके वो नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। आपको उनसे ना कोई कॉल मिलेगी ना कोई मैसेज। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की कॉल ब्लॉक करना तो आपको ऐड नंबर पे क्लिक करना हो, यहाँ पर उसको नंबर डालना है जो भी आपको जिसका ब्लॉक करना हो यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देंगे। तो गाइस बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोडाफोन इन, तो हमें उस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है गाइस हमारा फिक्स डायरिंग नंबर, तो आप डायरिंग नंबर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका वाईफाई कॉलिंग, तो आप अपने फ़ोन में अपने वाईफाई कनेक्ट करके कॉलिंग भी कर सकते हैं। ट्रन ऑफ वीडियो कॉल, तो आप यहाँ पर अपने फ़ोन में अपनी वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल फॉरवर्डिंग, कि आप किसी नंबर की जो कॉल फॉरवर्ड है अपने नंबर पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपने कॉल वेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉलिंग कर सकते हैं। तो भाई बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो नंबर नोट ही नहीं, कॉन्टैक्ट को जब ऑन कर देंगे गाइस तो हमारे जो आईवेस रिकॉर्ड कर देंगे, तो जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेफ नहीं है तो आपके वो नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप चाहते हैं किसी पर्सनल नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना तो उसके लिए आपको सिलेक्ट नंबर पर क्लिक करना। आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे जो से कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑपरेशन और सॉल्ट वे, तो हमें उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपके जो कॉन्टैक्ट हैं आप फर्स्ट नेम से शुरू करना चाहते हैं या सूट नेम से, अगर आपको जो भी शुरू करना तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले नैप डे प्लीज, तो उस पर क्लिक कर देना और जिस ऑप्शन को ऑन कर देना। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पर कुकर रिमोट पर क्लिक कर देना, जैसे कि आपके पास किसी व्यक्ति की कॉल आ रही है। गाइस आप बिजी हैं, कॉल नहीं उठा पा रहा, तो आप बाद में इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे लेटर या SMS मिल जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आ रहे, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको अपने रिंगटोन वॉल्यूम सैंड या जो भी टच साउंड जो भी लगानी है आप यहाँ सैंड साउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल, तो हमें उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे सर्विस पर क्लिक कर देना। तो ये बेक आ जाते हैं, यहाँ पर आपको जिस नंबर की आपको वॉइस मेल भेजनी है जिस नंबर पर, तो उसका नंबर डालना है, इसे ओके कर देना। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। तो ये बेक आ जाते हैं, बेक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, तो हम उस पर क्लिक कर देना है। और इस ऑप्शन को जब ऑन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे कि आपका फ़ोन किसी टेबल पर बज रहा है और आप उसे अपना उल्टा कर देते हैं यानी कि फ़ोन अपना स्लिप कर देते हैं, तो आपकी जो फ़ोन की रिंगटोन होती है वो खुद ब खुद साइलेंट हो जाती है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।